इस प्रकार कुछ बातें आपको कही जाती है। नीचे बचो, या तो फिर मान लीजिए कहीं पर आग लग गई हो तो फिर आपको चेतावनी दी जाती है, बचो, या तो फिर भागो, या तो फिर हटो, सामने आग लगी हुई है, ठीक है। या तो फिर भय भोजक, जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण दिया, बाप रे अभी मैं गिर जाता, है ना। मान लीजिए बड़ी खाई है और खाई के किनारे पर आप पहुंच चुके हो, अभी आप गिरने ही वाले हो खाई में, परंतु आप अपने आप को संभाल पाए और ऐसे समय में आपके मुंह से निकल आता है, ओ बच गया, है ना। फिर बाप रे बाप कितनी बड़ी खाई है, या तो कितनी बड़ी गहराई है, ऐसा कुछ तो निकल जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार भय बोधक, या तो फिर स्वीकृति बोधक, स्वीकृति बोधक भी इसमें आ जाता है। स्वीकृति बोधक जो रहता है उसमें एक अच्छा जीव इतिहास ऐसा कहा जाता है कि अच्छा जी जी हाँ, इस प्रकार की कुछ। मान लीजिए आपने किसी की बात को सहारे के लिए या उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो आपको अच्छी लगी और आपने स्वीकार कर ली, तो ऐसे स्थिति में वो आ जाता है स्वीकृति बोधक में। या तो फिर संबोधन बोधक, अरे अरे, इस प्रकार के कुछ शब्द आ जाते हैं, अजी जी, इस प्रकार के कुछ शब्द इसमें आते हो, सम्मान संबोधन। आपको दिखाई देता है इस मोर का सभी को दिखाई दे रहा है संबोधन, या तो फिर आखिरी वाला आप जो देखेंगे, जैसे इसमें घुरना घुरना बोधन, घुरना बोधक, जैसे छी या फिर छीछी, इस प्रकार या फिर संवेदना बोधक, संवेदना बोधक, हे राम संवेदना, संवेदना बोधक, हे राम, हे राम, तोबा 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 तोबा, इस प्रकार आज हमने विस्मयादि बोधक के बारे में जानकारी दी। बच्चों मैं आपको एक वाक्य या तो फिर एक प्रश्न यहां पर पूछता हूं, जैसे मान लीजिए वाह क्या के क्या चिड़िया,
क्या क्या चिड़िया किसमें आएगा, कौन बताएगा मुझे? जो पहला आदमी अभी देखे विस्मय सूचक क्रोध हर्ष शोक प्रशंसा चेतावनी भयबोधक स्वीकृति बोधक संबोधन घबराहट बोधक या फिर संवेदना बोधक, इस प्रकार के जो प्रकार हमने देखे विस्मय आदि बोधक के हुआ क्या क्या चिड़िया किसमें आया, कोई बता पाएगा मुझे? हाँ बताइए जल्दी। अभी हमने देखा विस्मयादिबोधक के ये प्रकार है, इन प्रकारों में ये उपरोक्त जो वाक्य है यह किसका उदाहरण मिलेगा आपके सामने है देखिए। हाँ क्या हुआ बेटा? अच्छा तो मैंने जो समझाया वो तो बताइए कम से कम। एक मिनट देखता हूं क्या हो रहा है। अब देखिए तो अब ठीक नजर आ रहा है। अब देखिए हाँ तो बताइए वाह क्या क्या चिड़िया यह किसका उदाहरण बनेगा? हाँ बिल्कुल तो सही है, ये बनेगा उदाहरण हर्ष का। ठीक है ये बनेगा उदाहरण हर्ष का। जैसे मान लीजिए उफ कितनी गर्मी है, उसके विशेष बात जो है ये प्रारंभ में ही आता है, अनायास हमारे मुख से निकलता है या तो फिर इसका अन्य शब्दों के साथ कोई संबंध नहीं रहता। इसमें एक चिन्ह बना रहता है, कौन सा चिन्ह बना रहता है इस वाक्य में, कौन बताएगा? कौन सा? बिल्कुल सही है, इसमें विस्मय बोधक चिन्ह जो है सूचक चिन्ह जो है वह लगा रहता है। ठीक है जिसके प्रकार आज हमने देखे विस्मय सूचक क्रोध सूचक या हर्ष सूचक शोक सूचक प्रशंसा सूचक चेतना चेतावनी सूचक भय बोधक या फिर स्वीकृति बोधक संबोधन सूचक घृणा बोधक या संवेदना सूचक, इस प्रकार के कुछ भेदों को आज हमने विशेष रूप से देखा। बच्चों ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाएगा, आप तैयारी कीजिए। आज का पीरियड हमारे यहाँ पर संपन्न हो रहा है, फिर हम मिलेंगे अगले पीरियड में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। और जाते जाते आप अपना अटेंडेंस देते जाइए, इस प्रकार आप अपने ग्रुप पर आज तक छोड़ते आए हो, आज भी वही काम करना है क्योंकि अगला पीरियड आपको पहुंचना है उस पीरियड के लिए। इसलिए यहाँ पर हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक इसकी तैयारी में भी आप लगे रहेंगे, परीक्षा नजदीक है, आप तैयारी कीजिए। धन्यवाद।